हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं एक ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये एक पार्सल आया हुआ है जो कि आजियो की तरफ से, तो मैंने इसको पहले ही ओपन कर लिया था, जिसमें कि है एक शूज़ जो कि है रेव्स कंपनी की तरफ से। आप जो भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, REVS है ये, जो कि है आजियो का ही एक सब ब्रांड है। तो इसमें कुछ ये डिटेल्स दी गई हैं शूज़ की, देखिए इसमें प्राइस लिखा गया है 2799, बट ये इतने का है नहीं। मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊँगा कि मुझे कितने का पड़ा। तो ये देख लेते हैं इसको ओपन करके। तो ये रहे हमारे शूज़, तो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे हैं लुक वाइज, ब्लू वाइट एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये शूज़ ना ही ज़्यादा लाइट वेट हैं और ना ही ज़्यादा हैवी हैं, बैलेंस है बिल्कुल, और मटेरियल भी ठीक है, अच्छा है। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो शूट किया था RKX बूट का, जो कि आजियो की तरफ से थे, उसी टाइप का ये मटेरियल है। और ये देखिए फ्लेक्सिबल भी है, तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे ये शूज़, देख सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं लुक, ये रहा हमारा टैग, और ये देखिए इसमें ब्रांडिंग भी की गई है। तो ये शूज़ मुझे पड़े हैं अराउंड 1000 रुपीज़ के। आजकल आजियो में सेल चल रही है, तो आप भी परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और ICICI का क्रेडिट कार्ड है आपके पास, तो 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है आपको। तो देख लीजिए ये लुक, इस टाइप का लग रहा है, ये ब्लू वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये थोड़ा सा हल्का सा ग्रेइश ब्लू में मिक्स है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है आजकल ये इस टाइप के ट्रेंड में है ये शूज़। तो चलिए मैं इसको पहन के दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगे। आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिएगा। देखिए बैक लुक, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पहन के। तो नॉर्मली ये वॉकिंग शूज़ हैं, कम्फर्टेबल हैं, काफ़ी बढ़िया हैं, लुक भी अच्छा है इनका, ट्रेंडिंग शूज़ हैं आजकल के इस टाइप के, मतलब पहनने वाले ट्रेंडिंग, ये शूज़ ट्रेंडिंग है, इस टाइप के मॉडल के ट्रेंडिंग शूज़ हैं आजकल, तो आप भी परचेस कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।